हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लक्की पांडे में। तो दोस्तों, यहाँ पे एम्स रायपुर की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ गई है। तो इस अपडेट को मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एम्स रायपुर की तरफ से नोटिस आया है और बहुत सारे बच्चे इंतजार भी कर रहे थे कि फटाफट से, तो अब आपका धीरे धीरे सबका इंतजार जल्दी ख़त्म होने वाला है। जल्दी जो बचे कुछ एम्स भी हैं, वो जल्दी से जल्दी ही अपना सारा का सारा जो भी लिस्ट है, एलिजिबल नॉन एलिजिबल या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का जो भी डेट है, वो जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश में है। और उम्मीद करता हूँ जो भी कैंडिडेट बचे हैं, आपको परेशान नहीं होना है, जल्दी से जल्दी उन सारे कैंडिडेट की जिनमें भी एम्स में सिलेक्शन हुआ है उनका लिस्ट जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से हम ये एम्स रायपुर छत्तीसगढ़ का जो इन्फॉर्मेशन आई है, मैं वो आपको समझा देता हूँ, वो आपको बता देता हूँ एक एक करके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, क्या है नोटिस रिगार्डिंग रिवाइज एलिजिबिलिटी स्टेटस, ये एम्स रायपुर ने रिवाइज भेजा है। रिवाइज एलिजिबिलिटी स्टेटस है फॉर पार्शियल एलिजिबल और नॉट एलिजिबल कैंडिडेट आफ्टर रेजोल्यूशन ऑफ देयर क्लेम ऑब्जेक्शन। मतलब जैसे राउंड वन का जो सीट एलोकेशन हुआ था एम्स रायपुर का, उसके अंदर एलिजिबल और नॉट एलिजिबल कैंडिडेट या पार्शियल एलिजिबल कैंडिडेट की जो लिस्ट निकाली थी, तो एम्स ने क्या करा है, वापस से बच्चों ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाए थे कि सर हमारा ये कि हमने ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल सबमिट करे हैं या हमारा ये डॉक्यूमेंट सही है, तो उसके अंदर जो डाउट्स रह गए थे उसको उसने रिवाइज करके जो है कैंडिडेट को वापस से ये लिस्ट निकाल के भेजी है। तो हम इस लिस्ट में चेक करेंगे कि क्या क्या कैंडिडेट्स के डाउट्स हैं और किस तरीके से एम्स रायपुर ने उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले नोटिस में लिखा गया, दिस इज द रेफरेंस ऑफ एम्स रायपुर नोटिस डेटेड 25/03/2022 रिगार्डिंग प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कैंडिडेट ऑन द ऑनलाइन बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हु हैज बीन अलॉटेड हैड एक्सेप्टेड एम्स रायपुर इन राउंड, जिन्होंने भी एम्स रायपुर को एक्सेप्ट किया राउंड वन की अलोकेशन के लिए, उनके लिए वाइट अबव नोटिस पार्शियल एलिजिबल एंड नॉट एलिजिबल कैंडिडेट वर गिवन एन अपॉर्चुनिटी। मतलब जो पार्शियल एलिजिबल थे और नॉट एलिजिबल कैंडिडेट थे, उनको अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट मेंशन है उसको मेल करना है recruitment@aimsraipur.educateinpe पे, ठीक है। लेटेस्ट कब तक मेल करना है, 30/03/2022 तक मेल करना था, 5 बजे तक ये बोला गया था। तो उसके बाद बंदों ने मेल कराया, मतलब जो कैंडिडेट्स हैं उन सब ने मेल कराया। तो उसके बेसिस पे एम्स ने लिस्ट तैयार की है ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट क्लेम ऑब्जेक्शन सबमिटेड बाय दिस कैंडिडेट इन सपोर्ट ऑफ देयर एलिजिबिलिटी एंड आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स बाय सिक्योरिटी कमेटी ऑफ। आपने उन डॉक्यूमेंट्स को भेजा है, क्लेम कराया और ऑब्जेक्शन कराया जो भी आपके जो डाउट्स थे उसको लेके, तो उसको लेके कमेटी ने सब कुछ देखा है और वापस से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को और पार्शियल एलिजिबल कैंडिडेट और नॉट एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट को रिवाइज कराया, मतलब दोबारा से उन्होंने निकाल के भेजा है, ठीक है। अब अगला पॉइंट इसमें अंदर बोला गया, ऑफर टू ऑल एलिजिबल कैंडिडेट मेंशनड इन दिस नोटिस एज वेल एज गिवन इन एंसर ऑफ नोट हु हैव बीन अपॉइंटेड रायपुर इन ऑप्शन विल हैव टू इशू शॉर्टली। मतलब ऑफर लेटर, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आपको बहुत जल्दी ही मिल जाएगा, ठीक है। जो भी इस नोटिस के अंदर मेंशन किया गया 25/03/2022 को जो भी मेंशन है उस हिसाब से मिल जाएगा। आपको कोई क्वेरी है, कोई ईमेल है, तो आप recruitment@aimsraipur पे जाके मेल करके वहाँ से पता कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट नोट दैट देयर कैंडिडेट इज प्योरली प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू बीइंग डिक्लेयर्ड एलिजिबल ड्यूरिंग वेरिफिकेशन ऑफ देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ एम्स रायपुर, ठीक है। कैंडिडेट को यहाँ पे नोट करना है कि आपका जो कैंडिडेट है, मतलब जो कैंडिडेट है वो प्योरली एलिजिबल है, ठीक है। ड्यूरिंग वेरिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन वेरिफिकेशन जो है उसके अंदर एलिजिबल पाया गया है और जो डॉक्यूमेंट उन्होंने सबमिट करें अगर वो किसी तरीके से फ्रॉड होते हैं या फॉल्स होता है एट द टाइम ऑफ जब ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा, उस टाइम जब आपसे ये लोग मांगेंगे उसमें अंदर कोई इन्फॉर्मेशन गलत होती है या कोई डेट गलत होता है, तो आपका जो अलोकेशन है, आपको जो डेट दी गई है या आपको जो पोस्ट दी गई है उसको कैंसिल करने का पूरा पूरा एम्स है। बिना किसी क्वेश्चन करे, बिना किसी आपको लेटर दिए, बिना कोई ऑब्जेक्शन के एम्स आपकी सीट को कैंसिल कर सकता है अगर आपने कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है एम्स को। तो छठा पॉइंट यहाँ पे हम कह सकते हैं, फॉर एनी क्वेरीज, अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आपके पास हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दे रखा है, ईमेल दे रखा है। जैसे बहुत सारे बच्चों का डाउट आता रहता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हैं, वो अपने डाउट्स और वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। वेबसाइट का दे रखा है यहाँ पे recruitment@aimsraipur.edu.in, यहाँ पे जाके आप पता कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैव चूजन ऑप्शन वन, जिन्होंने ऑप्शन वन चूज किया था, डिक्लेयर लिस्ट एलिजिबल आफ्टर रेजोल्यूशन, मतलब जो भी आपका क्लेम था जो कि पार्शियल एलिजिबल थे या नॉट एलिजिबल कैंडिडेट थे उनको रिजॉल्व करके एम्स रायपुर ने लिस्ट निकाली है। तो इसके अंदर एम्स एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट है, तो आप सारे यहाँ पे अपना एलिजिबल कैंडिडेट की जो भी लिस्ट है उसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सीरियल नंबर 1 में 199 रैंक वाला है जो एलिजिबल है, सारे यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट एलिजिबल है। और कौन हम देखते हैं नीचे, क्या कोई इनएलिजिबल कैंडिडेट दिया गया है एम्स रायपुर के द्वारा या सबको एलिजिबल किया गया है, जो भी कैंडिडेट के पास जो भी थे, यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट, मतलब अभी तक हम देख सकते हैं 55 कैंडिडेट हमने देखे हैं और इसके अंदर कैंडिडेट्स एलिजिबल है, मतलब 55 कैंडिडेट्स को एलिजिबल करा गया। अब यहाँ पे लिस्ट है जिन्होंने, और ये लिस्ट ऑप्शन वन वाले कैंडिडेट के लिए जिन्होंने ऑप्शन वन चूज करा था, और जो पार्शियल एलिजिबल, मतलब अभी भी जो पार्शियल एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो कौन से हैं और आपको इसके अंदर देखते हैं क्या चीज़ है। तो पार्शियल एलिजिबल कैंडिडेट जो है हमारे पास, उनको क्या क्या सबमिट करना है और क्या डॉक्यूमेंट देना है, किस क्लेम और किस ऑब्जेक्शन के बेसिस पे उनको पार्शियल एलिजिबल कहा गया, तो देखते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे कैंडिडेट हैं
जिनकी रैंक है 1674 और पार्शियल एलिजिबल है किस बेसिस पे, कि सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ, उन्होंने क्या किया जो भी वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगा गया था उनका नर्सिंग का, मिडवाइफ का जो होता है मतलब आरएन नंबर जो होता है, जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आपको नर्सिंग करने के बाद मिलता है वो चीज़ उन्होंने वैलिड सबमिट नहीं करा, इसलिए उनको बोला गया है। अगले कैंडिडेट को हम देख सकते हैं कि उनको भी बोला गया है लेकिन उन्होंने क्या किया है, सबमिट तो कराया लेकिन रिन्यूड वाला सबमिट नहीं कराया, सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ वैलिड और रिन्यूड सर्टिफिकेट ऑफ कंसर्न नर्सिंग काउंसिल, मतलब जिस भी नर्सिंग काउंसिल से रिलेटेड वो है उसके रिलेटेड में उन्होंने सबमिट नहीं कराया उसको, तो इस चीज़ को भी देखना है हमको, ठीक है। और थर्ड क्या है, सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ वैलिडिटी रिन्यूड सर्टिफिकेट ऑफ द कंसर्न नर्सिंग काउंसिल एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। इन्होंने भी रिन्यूड वाला सर्टिफिकेट नहीं कराया एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब इन्होंने इसके अंदर साफ साफ बोला जो पार्शियली एलिजिबल कैंडिडेट है इनको भी ज्वाइनिंग दी जाएगी लेकिन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको ये सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जो है सबमिट करना है, अदरवाइज आपका लोकेशन कैंसिल हो जाएगा। तो इसके अंदर जो पार्शियली एलिजिबल कैंडिडेट है उनको एक वैलिडिटी दी गई है कि आपको अपना इस डॉक्यूमेंट को तैयार करवा के और एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग जो है उसको सबमिट करना है, अगर आप एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग उसको सबमिट कर लेते हैं तो आपको वैलिड माना जाएगा और आपको जो है नर्सिंग ऑफिसर की सीट दी जाएगी एम्स रायपुर के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे जो कैंडिडेट है उनको क्या गया है, सब्जेक्ट ऑफ सबमिशन ऑफ एनओसी, उन्होंने एनओसी सबमिट नहीं करा था तो उनको एनओसी रिलीफिंग ऑर्डर सर्टिफिकेट करना पड़ेगा अथॉरिटी से, ठीक है, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे देना पड़ेगा। अगला क्या है, जो पार्शियल एलिजिबल कैंडिडेट है उनका सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ एफिडेविट रिगार्डिंग वर्क एक्सपीरियंस ऑफ, उन्होंने किसी हॉस्पिटल में काम किया था टेलीचेरी कोऑपरेटिव हॉस्पिटल एज इट इज नॉट मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, तो आपको एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग सबमिट करना है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपको इस हॉस्पिटल से मिला है, ठीक है, वो चीज़ उसके अंदर नहीं था जो आपने ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए दिया है। अगला क्या है हमारा, सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो कैटेगरी सर्टिफिकेट था वो आपको सबमिट करना है, आपने वो भी सबमिट नहीं करा था और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में, अदरवाइज आपका ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के अंदर कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको नहीं लिया जाएगा एडमिशन के प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो ये सारे कैंडिडेट, अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ हु हैव चूजन, कुछ एलिजिबल कैंडिडेट है जिन्होंने ऑप्शन टू चूज करा था, उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था जैसा कि हमने आपको बताया था, चाहे आपने ऑप्शन वन टू चूज करा है चाहे आपने ऑप्शन टू चूज करा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सबका ही होना है, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन टू के कैंडिडेट थे वो भी जो एलिजिबल है सीट्स के लिए, ठीक है, ऑप्शन टू का क्या रिजल्ट आता है उसके बाद वो लोग डिसाइड करेंगे, पर एम्स रायपुर की तरफ से वो एलिजिबल हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए, मतलब अगर अगली बार भी उनको एम्स रायपुर में सिलेक्शन होता है तो उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उन सारे कैंडिडेट को एलिजिबल, उनकी लिस्ट भी एम्स रायपुर ने यहाँ पे निकाल दी है, ठीक है। और ऑप्शन टू चूज करने के बाद जो पार्शियली एलिजिबल कैंडिडेट थे उनकी लिस्ट भी यहाँ पे निकाल दी, जो कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने ऑप्शन टू चूज करा था लेकिन वो भी अभी क्या है पार्शियली एलिजिबल है, उसकी लिस्ट भी निकाल दी और इसके अंदर साफ साफ लिखा गया है कि किस रीजनों के वजह से उनको जो है पार्शियली एलिजिबल बोला गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ एनओसी कम रिलेसिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर, आपको जहां भी आप प्रेजेंट में काम करते थे आपने वहां से एनओसी नहीं दिया, जो कि एनओसी कंपलसरी बोला जा रहा है कि अगर आप कहीं पे भी जॉब करते हैं किसी गवर्नमेंट उसके अंदर है तो आपको देना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ एनओसी कम रिलीविंग सर्टिफिकेट वो भी आपको देना जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज को देखना है, सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको देना है, ठीक है, रिलीविंग सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय जहाँ पे आप काम करते थे अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं वहाँ से भी आपको रिलीविंग सर्टिफिकेट यहाँ पे जमा करना है अपने ऑप्शन सर्टिफिकेट, ताकि वो भी ताकि आपको भी एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट में डाल दिया जाए इन फ्यूचर जब आपका ऑप्शन टू चूज होता है और अगर आपको एम्स रायपुर ही दोबारा अलॉट होता है तो फिर आपको ये हो जाए कि भाई आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट दोबारा से वेरिफिकेशन नहीं करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक लास्ट जो कैंडिडेट है उनको भी यही दिया गया कि सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ वैलिड रिन्यूड सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है जो नर्सिंग काउंसिल का था। तो ये थे सारे के सारे डिटेल्स एम्स रायपुर की तरफ से जो उन्होंने निकाले एलिजिबल और पार्शियली एलिजिबल कैंडिडेट के लिए जो रिवाइज किया है, इसके अंदर देख सकते हैं इन एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट नहीं है, सिर्फ पार्शियली और पार्शियली एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट है और एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपके सारे डाउट इसके अंदर क्लियर हो गए, और जो भी स्टूडेंट का जो पार्शियल एलिजिबल कैंडिडेट है उनको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, और आपका जो भी सर्टिफिकेट है उसको आपको सबमिट करना है वहाँ जाके एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको भी मिलेगी, लेकिन आपको सब जो डॉक्यूमेंट्स है उसको सबमिट कर देना है, अगर आप उस डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे सारे का सारा, मतलब आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी एज ए नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे आपको, और आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट है आप उन्हें जमा कर लीजिए और एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आप वहाँ पे जाके एम्स रायपुर के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर इसको जमा कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर कोई दिक्कत परेशानी ना आए, ठीक है। तो आप आके बात कर सकते हैं जो भी पार्शियल एलिजिबल कैंडिडेट, और जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आपको जल्दी से ही अपॉइंटमेंट लेटर भी आएगा, जैसा कि इस नोटिस के अंदर बोला गया है कि बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट लेटर भी इशू किया जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग भी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, वीडियो के रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।